हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। यार, सीरियल गुम है किसी के प्यार में कि पिछले कुछ दो तीन एपिसोड के अंदर जो है तारीफ क्या कर दी, सीरियल के मेकर्स फिर से अपनी पर आ गए हैं। क्योंकि यहां पर सीरियल के मेकर्स जो हैं दशहरे के दिन भी सत्य की जीत असत्य पर दिखाने में नाकामयाब दिख रहे हैं। यहां पर असत्य इतना सा है लेकिन इतना हावी हो चुका है कि अब क्या ही कहने। लाइक यार, हर रोज आपके आस पड़ोस में पुलिस केस और अलग अलग ट्रेजेडीज होती रहती है और ये बहुत नॉर्मल सा हो गया यार। नहीं होना चाहिए बट होता है, ये फैक्ट है। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि कुछ भी हुआ, छोटी सी बात पर महिलाएं झंडे लेकर आ जाएं, प्रोटेस्ट करने लग जाएं, स्कूल जाएं तो स्कूल में बच्चे चिल्लाने लग जाएं? मतलब ये कौन सी दुनिया है जहां पर ये सारी चीजें हो रही है? और आखिरकार सभी कौन सी इतनी बड़ी, सभी अगर सीरियल के अंदर आईएएस ऑफिसर होती चलो भाई ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, फिर ये सब होना बनता है। लेकिन यहां पर सही एक सामान्य, सभी एक सामान्य टीचर है, इसके बावजूद इतना बवाल होना, मतलब ये तो बिल्कुल लॉजिक ही नहीं बैठता है। अब क्या करें, सीरियल के मेकर्स को कहानी में ट्विस्ट लाने होते हैं तो यहां पर वो अपना दिमाग लगाते हैं। मतलब कहानी कॉपी वो कर रहे हैं लेकिन जहां पर क्रिएटिविटी दिखानी होती है, कुछ सीन को चेंज करना होता है, वहां पर वो नहीं करते हैं, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और जहां पर कोई जरूरत नहीं होती यहां क्रिएटिविटी दिखाने की, वहां जबरदस्ती की क्रिएटिविटी दिखा देते हैं। और ऐसा सीन दिखा दिया आज के एपिसोड में कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना, जो मतलब सोशल मीडिया पर जो प्यार बनता फिर से दिखाई दे रहा था इस ट्रैक से गुमे किसी के प्यार में का, वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है। क्योंकि यहां पर हम सभी को पता है कि सीरियल बहुत पॉजिटिव स्टोरी लेकर आगे बढ़ रहा था, अब अचानक से नेगेटिविटी का इतना डोज दे दोगे तो झटका तो लगेगा ही लगेगा। वेल, चलिए आपको बताते हैं आने वाले एपिसोड के बारे में कि क्या होने वाला है और आखिरकार सभी अकेली सुनसान सड़क पर यूं निकली है तो यहां पर सभी के साथ क्या कोई हादसा होने वाला है। क्योंकि अक्सर ऐसे सीन में जो है कोई ना कोई टक्कर मारकर चला ही जाता है। अब मुंबई की सड़कें यूं तो सीरियल के अंदर जंगल से होकर गुजरती है लेकिन यहां पर ट्रैफिक धमाकेदार ही होता है और एक्सीडेंट होते रहते हैं। लेकिन इस बार गनीमत है कि हमारी सभी के कुछ नहीं होने वाला है, हमारी सभी बचते बचाते घर तक पहुंच जाएगी, हादसा होते होते बच जाएगा। यहां पर पूरी तरीके से सभी घर पर पहुंचने वाली है तो वो सही सही से मिलने की कोशिश करेगी क्योंकि स्कूल में वो सही से मिल नहीं पाई है और स्कूल से उसे निकाल दिया गया है विदाउट एनी लेटर और ऑर्डर के। उसे मतलब सीधे ही निकाल दिया कि बस नहीं आना, मत आओ, आपके ऊपर केस हो गया। अब यार, ऐसा कौन सा शख्स है जिसके ऊपर केस ना हो और केस ना लगे हो? बहुत सारे लोगों के ऊपर होते हैं पर क्या वो जीना छोड़ दे? क्या उन्हें कहीं जॉब नहीं मिलती है? मिलती है, सब लोग काम करते हैं। इवन यहां पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन आप उठाकर देख लो हमारे देश के, सबके ऊपर कोई ना कोई केस आपको मिलेगा ही मिलेगा। मानहानि के केस तो लगते ही रहते हैं आए दिन। और यहां पर वही बात है कि आप जितने पॉपुलर होते हैं उतने ही कीचड़ आपके ऊपर उछाले जाते हैं, ये बात सच है। अब यहां पर सीरियल के अंदर सभी को मिलने से वो लोग रोक देने वाले हैं, रजत को चीजें धीरे धीरे समझ में आने वाली है। पर जहां पर रजत अक्सर सीरियल के अंदर चिल्लाता हुआ भड़कते हुए नजर आता है, अचानक से साइलेंट मोड में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि हीरो जिस समय पर बेमतलब में चिल्लाना था उस समय चिल्लाया जा रहा था, भले ही वो सभी पर चिल्लाना हो या छोटी बच्ची पर चिल्लाना हो। और अब वाकई में सभी रजत को अपनी डेयरिंग दिखानी है तो रजत जो है यहां पर मुंह पर टेप बांधकर खड़ा है और सोच रहा है कि सिचुएशन नॉर्मल हो, कुछ सबूत हाथ में लगे तब जाकर बोलूं। यानी कि रजत अक्सर सभी के ऊपर तो बिना किसी सबूत के बिना किसी चीज के चिल्ला देता था और बाद में जब पता चलता था तो माफी माफी करता था। लेकिन अब यहां पर वाकई में इतना बड़ा सीन क्रिएट हो गया है तो रजत के मुंह पर टेप लगी हुई है। सीरियल के मेकर्स को क्रिएटिविटी यहां दिखानी चाहिए थी ना कि स्कूल में जाकर। वेल, यहां पर सीरियल के अंदर आने वाले एपिसोड में रजत उस लड़की का पता लगाने वाला है जिसने सभी के ऊपर ये सारे आरोप लगाए थे, जिसके वजह से सभी को यहां पर जेल में जाना पड़ा था और सभी की नौकरी छूट गई। और रजत को ऐसा लगता है कि सभी को उसकी नौकरी वापस दिलानी है, सम्मान उसका फिर से लौटवाना है तो यहां पर उस लड़की को पता लगाना होगा और आखिरकार सच्चाई क्या है, उसने ये आरोप क्यों लगाया, ये पता लगाना होगा। अब रजत यहां उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करेगा और यहां पर उसके घर तक पहुंचते हुए नजर आएगा लेकिन वो लड़की यहां पर मिलने से मना कर देगी। लेकिन यहां पर रजत का शक पूरी तरीके से जिगर के ऊपर चले जाएगा और जिगर जो है यहां पर बचते बचाते रजत से जो है आंखें चुराते नजर आएगा। लेकिन यहां पर फाइनली रजत जो है उस लड़की के पास पहुंचने वाला है। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में ये चीज हम लोगों को भी पता है कि सीरियल के अंदर जो है आशिका का साथ मिलने वाला है जिगर को, तो यहां पर जिगर को एक और प्लस पॉइंट मिल जाएगा अपने आप को काफी लंबे टाइम तक स्क्रीन पर बरकरार रखने के लिए।
अब देखो सीरियल जहां से कहानी कॉपी कर रहा है ना, वहां पर ये सीन जो है बड़ा लिमिटेड टाइम के लिए था और इसके बीच में कई सारे अच्छे सीन भी मौजूद थे। बट फिलहाल सीरियल को मैं किसी के प्यार में के मेकर जो है इस ट्रैक को मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा खींचने की फिराक में है, नहीं तो आज का सीन जो है वो इतना ज्यादा खींचा नहीं जाता। यहाँ पर जो बातें ईशा मैम पहले ही पिछले एपिसोड में सभी से कर चुकी थी, सेम टू सेम सीन यहाँ पर फिर से रिपीट होता है, फिर से मृणमय वगैरह वगैरह सारे लोग यही बातचीत करते हैं। अमन यहाँ पर आता है, यहाँ पर सभी और अमन के बीच में अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जा सकती थी, बट स्टिल सीरियल के मेकर्स ने अमन को नहीं दिखाया। और जब वो घर पर जाता है तो रजत मौजूद नहीं होता, रजत बाहर तो गाड़ी लेकर इस हिसाब से जाता है कि मानो सच को निकाल कर ही सामने आएगा, लेकिन फिर से चुपचाप घर पर पहुंच जाता है। और आने वाले एपिसोड के अंदर भी रजत बिल्कुल साइलेंट मोड में इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आएगा। अब यहां पर दोस्तों कहानी में पूरा सच रजत ही बाहर लेकर आने वाला है, लेकिन कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन तो आने वाले एपिसोड में मौजूद है ही है। अब यहां पर आने वाले एपिसोड के लिए दोस्तों आप लोग कितना एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग झेल पा रहे हैं सीरियल के अंदर इस नेगेटिविटी को कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। वेल, आप सभी लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस दिन की बहुत शुभकामनाएं, सत्य की जीत असत्य पर होने की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और आप लोग इसी तरीके से पॉजिटिव लाइफ जीते रहें और सीरियल के अंदर पॉजिटिविटी ना ढूंढते हुए लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढे, इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, आप लोग भी मुझे विशेष पहुंचा सकते हो अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।